अगली खबर में बात करते हैं अयोध्या की, जहां देश में पीएफआई संगठन पर रोक लगने के बाद सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट किया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच अयोध्या जिले में जुमा की नमाज सकुशल संपन्न हो गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान सुरक्षा की दृष्टि से मुस्तैदी के साथ मौजूद रहे। गौरतलब है कि पीएफआई संगठन पर बैन लगने के बाद उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट कर दिया गया था। इसी क्रम में आज जुमा की नमाज थी, जिसको प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए जहां जहां भी जुम्मा की नमाज अदा की जाती है उन मस्जिदों के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। वहीं अयोध्या एसपी सिटी मधुबन सिंह व सीओ सिटी सैलेन सिंह अलग अलग क्षेत्रों में अपनी टीम के साथ पैदल गश्त करते हुए जनपद वासियों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। फिलहाल कड़ी सुरक्षा के बीच पीएफआई संगठन पर बैन लगने के बाद आज जुम्मा की नमाज सकुशल सम्पन्न हो गई। आज जुमा था और इसके लिए सभी मस्जिदों में नमाज पढ़ी जानी थी। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई थी। सभी अधिकारी, चौकी इंचार्ज और थानाध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील लेकर सकुशल नमाज को संपन्न कराए हैं और सब जगह शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनी हुई है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो गए हैं और जगह जगह पर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर दी गई है, जहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु, विशेषकर महिलाएं और बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। इसके अलावा जैसे आज जुमा का दिन है और इसमें भी जो मुस्लिम हैं वो अपना नमाज अदा करते हैं। इस संबंध में जो है सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है। सभी प्रमुख स्थानों पर ड्यूटियाँ लगी हुई हैं और किसी भी प्रकार से कोई भी इसमें व्यवधान उत्पन्न नहीं उन्हें दिया जाएगा और कोई भी अगर कोई असामाजिक कार्य करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।